अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग यूनिट टू का पार्ट टू। पार्ट टू के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे? स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे, न्यू बॉर्न स्टेज, फॉन्टेनल्स देखेंगे, उनके सूचर्स, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एंड न्यू बॉर्न सेंसेस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है प्री नेटल। इसमें हमारे पास दो स्टेजेस आ जाती हैं, एम्ब्रियोनिक जो कि कॉन्सेप्शन से लेके 8 वीक्स तक। कॉन्सेप्शन क्या है? जब उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। फीटल स्टेज 80 to 40 वीक्स और 42 वीक्स तक जाता है। नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास आता था इन्फेंसी, जिसमें न्यूनेट आता है जो कि बर्थ टू एंड ऑफ 1 मंथ तक वो क्या न्यूनेट कहलाएगा। उसके बाद इन्फेंसी कहलाएगा 1 मंथ to 1 ईयर तक। 3 हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड जो कि टोडलर और उसके अंदर प्री स्कूलर आ जाते हैं। टोडलर में 1 to 3 ईयर्स तक का बच्चा कहलाता है और प्री स्कूलर में 3 to 6 ईयर्स तक। 4 हमारे पास मिडल चाइल्डहुड जिसमें स्कूल एज आ जाता है 6 to 12 ईयर्स तक। नंबर 5 हमारे पास लेट चाइल्डहुड जिसमें एडोलेसेंट 13 ईयर्स टू अप्रॉक्सीमेटली 18 ईयर्स तक। अब न्यू बॉर्न जो स्टेज होती है फर्स्ट 4 वीक्स और फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ कहलाते हैं और ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है जिसमें इंट्रा यूट्राइन जो लाइफ है और एंड एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट को देखा जाता है। नॉर्मल न्यू बॉर्न इन्फेंट कैसा होता है, उसकी फिजिकल ग्रोथ में क्या चेंजेस होंगी या कैसा होगा वो? उसका वेट जो होगा 2.700 से 4 kg तक होगा। वेट लॉस उसका होगा 5 to 10% बाय 3 to 4 डेज के अंदर, यानी कि 3 से 4 दिन में उसका 5 to 10% वज़न कम होगा और वज़न वो गेन करेगा 10 दिनों के अंदर और गेन करेगा 3 to 4 kg एंड ऑफ 1 मंथ के अंदर। वेट जो उसका होगा वो जैसे कि मैंने कहा 5 to 10% लूज़ करेगा 3 to 4 डेज के अंदर, क्योंकि इसकी बॉडी से हॉर्मोन्स जो मदर के होंगे वो चले जाएंगे और जो एक्सेसिव या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होगा वो भी लॉस हो जाएगा और पैसेज ऑफ मेकोनियम हो जाएगा। ये मेकोनियम क्या है? जब बेबी फर्स्ट स्टूल पास करता है फीसिस तो उसको मेकोनियम कहा जाता है। एंड यूरिन करेगा, लिमिटेड फूड इंटेक वो करेगा तो उसकी वजह से उसका 5 to 10% वेट लूज़ हो जाएगा 3 से 4 दिनों के अंदर। हाइट जो उसकी होगी, बॉयज़ की एवरेज हाइट होती है 50 सेंटीमीटर, गर्ल्स की होती है हाइट 49 सेंटीमीटर। नॉर्मल रेंज फॉर बोथ 47.5 से 53.75 सेंटीमीटर तक रहती है। हेड सरकमफ्रेंस जो उनका 33 to 35 सेंटीमीटर तक रहता है और हेड इज़ 1/4 टोटल बॉडी लेंथ होता है उसकी। और जो स्कल्स होते हैं उसके 2 फॉन्टेनल्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर फॉन्टेनल में जिनका डायमंड शेप होता है और जंक्शन होता है उनका सेजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर्स के दरमियान बनाते हैं। बिटवीन 2 फ्रंटल एंड 2 पैराइटल बोन्स के दरमियान ये बनता है इंटीरियर फॉन्टेनल। 3 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है और 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है इसकी। और ये क्लोज होता है 12 to 18 मंथ्स ऑफ एज के अंदर। फॉन्टेनल्स आपको दिखा दूँ जिसमें फ्रंट इंटीरियर फॉन्टेनल्स और पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स। पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स में ट्रायंगुलर होते हैं, लोकेटेड बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड 2 पैराइटल बोन्स के दरमियान होते हैं, क्लोज बाय द एंड ऑफ 2 to 3 मंथ्स ऑफ एज और 2 से 3 मंथ के अंदर वो भी क्लोज हो जाते हैं। क्लोज किससे होते हैं? सूचर से होते हैं। तो सूचर हमारे पास 4 किस्म के हैं। जब पैराइटल और पैराइटल के दरमियान सूचर बनता है तो सेजाइटल सूचर कहलाता है। जब पैराइटल टू फ्रंटल सूचर बनता है तो कोरोनल सूचर कहलाता है। पैराइटल टू टेम्पोरल सूचर बनता है, स्क्वामस सूचर कहलाता है। पैराइटल टू ऑक्सीपिटल बनता है, लैम्बडॉइड सूचर कहलाता है। चेस्ट सरकमफ्रेंस इनका कितना होगा? 30.5 to 33 सेंटीमीटर, यूजुअली 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफ्रेंस होता है, यानी कि उनके जो सर से 2 to 3 सेंटीमीटर कम होता है उनका हेड सरकमफ्रेंस से। वाइटल साइंस उनका टेम्परेचर 36.3 to 37.2 सेंटीग्रेड तक, पल्स 120 to 160 बीट्स पर मिनट, रिस्पायरेशन जो उनकी होती है 35 to 50 रिस्पायरेशन करते हैं, और टेम्परेचर जो चेक करते हैं एक्सिली और रेक्टल से बच्चों का। नॉर्मल यानी कि रिस्पायरेशन जो होता है 30 to 60 रिस्पायरेशन पर मिनट, एवरेज 40 रिस्पायरेशन पर मिनट तक जाता है। जो उनका टेम्परेचर होता है रेक्टल उनका आता है 90 फ़ारेनहाइट to 99.5 फ़ारेनहाइट तक। एक्सिलरी में जो उनका आता है 97.6 फ़ारेनहाइट to 98.6 फ़ारेनहाइट तक।
हार्ट रेट जो इनका नॉर्मल वेराइटीज़ होती है 100 to 160 बीट्स पर मिनट, या 100 वाइल स्लीपिंग एंड 160 वाइल क्राइंग, यानी कि उनके रोने से उनका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर जो उनका होता है एवरेज 75/42 होता है, सिस्टोलिक 60-80 मिलीमीटर पर एच जी तक जाता है और डायस्टोलिक 40-50 मिलीमीटर पर एच जी जाता है। सिमुलेशन ऑफ वाइटल साइंस, पल्पेशन ऑफ पल्सेस हम लोग करते हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह, ऑस्कल्टेशन इन जगह पे करते हैं, और टेम्परेचर टेकिंग रेक्टल से या एक्सिलर से। नेक्स्ट हमारे पास आता है एपगार स्कोर, जिसमें हम इसके रिस्पायरेशन, क्राइंग रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी, पल्स, हार्ट रेट, स्किन कलर ऑफ बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज एंड मसल टोन, ये सब उसमें देखा जाता है। तो इस हिसाब से इनको अपेरेंस, ए से एपगार स्कोर, ए से अपेरेंस, बी से पल्स, जी से ग्रिम्स एक्टिविटी, और आर से रिस्पायरेशन। अपेरेंस इसकी पिंक होती है, 0, 1 और 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं, और पल्स उसकी एटलीस्ट 100 बीट्स पर मिनट, जिसको 0, 1 और 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ग्रिम्स रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, इसको भी 0, 1, 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। एक्टिविटी मसल टोन देखी जाती है उनकी, एंड रिस्पायरेशन स्ट्रॉन्ग है, क्राई उसका देखा जाता है। न्यूबॉर्न सेंसेस, न्यूबॉर्न सेंसेस हमारे पास 5 हैं, टच, विजन, हेयरिंग, टेस्ट एंड स्मेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है टच, जो कि हाईली डेवलप्ड सेंस है, और ये उन्हीं की मोस्ट उसकी फील होता है लिप्स पे, टंग पे, एयर्स पे एंड फोरहेड पे। और जो न्यूबॉर्न होता है वो यूजली कंफर्टेबल महसूस करता है जब उसको टच किया जाए। विजन, पीपल्स जो उसके होते हैं रिएक्ट करते हैं, एज अ लाइट अगर उसके पीपल पे मारो तो वो रिएक्ट करते हैं। ब्राइट लाइट वो ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है, या उनको अच्छा नहीं लगता, या उनको इरिटेशन हो रही होती है ब्राइट लाइट से, ज़्यादा रोशनी से। फॉलो ऑब्जेक्ट इन लाइन ऑफ विजन, और उन ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं जो कि उनकी विजन में आता है। थर्ड हमारे पास हेयरिंग, द न्यूबॉर्न इन्फेंट यूजली मेक्स सम रिस्पॉन्स टू साउंड फ्रॉम बर्थ, यानी कि जो न्यूबॉर्न इन्फेंट होता है वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स बनाता है जो भी आप उसको साउंड सुनते हैं या जो भी वो आवाज़ सुनता है। ऑर्डिनरी साउंड जो हेड वेल बिफोर 10 डेज ऑफ लाइफ, और न्यूबॉर्न इन्फेंट रिस्पॉन्ड टू साउंड्स विद आइदर क्राई और आई मूवमेंट, सेसेशन ऑफ एक्टिविटी एंड और स्टार्टल रिएक्शन। और जो न्यूबॉर्न बच्चा है या न्यूबॉर्न इन्फेंट है वो सांप के साउंड पे क्या तो क्राई करता है साउंड से, या आई मूवमेंट करता है सेसेशन, या फीलिंग, या हाथ हिलाता है, कोई भी मूवमेंट वगैरह करता है। नंबर 4 हमारे पास है टेस्ट, जो कि वेल डेवलप बिटर एंड सोर फ्लूइड से रिजिस्ट, और स्वीट जब वो बच्चा होता है तो यानी कि ज़्यादा स्वीट फ्लूइड्स को एक्सेप्ट करता है, बाकी बिटर और सोर टेस्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करता। नंबर 5 हमारे पास स्मेल, ओनली एविडेंस इन नॉन इन न्यूबॉर्न इन्फेंट सर्च फॉर द निपल्स एज ही स्मेल ब्रेस्ट मिल्क, जो कि न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं ये रिसर्च से सर्च करते हैं निपल का, क्योंकि उनकी ब्रेस्ट मिल्क की स्मेल आती है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।